दोस्तों आज अक्टूबर की 22 तारीख है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल खिले हुए हैं। इस फूल को हमने रखा हुआ है ताकि इनका बीज बन सके और ये बीज हम अपने एज अ गार्डन में लगा के और नए पौधे बना सकें। ये जैसे ही ड्राई हो जाएगा हम यहाँ से कट कर देंगे और बाकी जो फ्लावर है उनको हम जैसे ही थोड़े बहुत ड्राई हो जाएंगे उनको हम क्या कर ले टाइम से पहले ही कट कर देंगे। बाकी पौधों हमें फ्लावर्स के सीड नहीं चाहिए, सिर्फ एक इनके ही सीड हम कलेक्ट करके और अभी ही ग्रो करेंगे ताकि हमें इसी ही एक दो मंथ में फ्लावर इनके भी पौधे मिल जाए और उनसे भी हमें फ्लावर देखने को मिल जाए। अगर आप चाहें तो इनकी कटिंग भी लगा के कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों कटिंग ईजिली ग्रो हो जाती है, 15 दिन के अंदर कटिंग लग जाती है, आप ट्रांसप्लांट करके इस तरीके का पौधा बना सकते हैं।